Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 13th of September 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, which of the following state is not covered under the 6th schedule? ध्यान रखिएगा ये पूछा जा रहा है कि not covered, ठीक है. तो UPSC prelims में भी कई बार होता है questions में not लिखा रहता है एंड हम जल्दी जल्दी में उसका ध्यान नहीं दे पाते हैं. सो रिमेंबर कि जहां भी नॉट लिखा हो तो उसको प्लीज गोला बनाने की आदत अभी से लगा लीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड अंडर द सिक्स शेड्यूल? ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी मध्य प्रदेश. सेकेंड क्वेश्चन इज द टेन्यूअर ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इज ए 3 years, बी 4 years, सी 5 years या फिर डी 6 years. थर्ड क्वेश्चन इज चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना या फिर डी बेतवा. तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में एंड हम अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं. तो आज का जो सबसे पहला ऐड आया हुआ है वो एसबीआई का आया हुआ है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का. अब आप लोग बोलेंगे कि सर आज से ऐड भी पढ़ाने लगे क्या? यहां पर कुछ ऐड इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 2 में जो लोग जिनका भी पब ऐड ऑप्शनल है वो ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट एजेंसीज की न्यू लिबरलाइजेशन के दौर में भी या जब उदारीकरण हो गया है इवन आफ्टर लिबरलाइजेशन, दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो बेसिक मोटिव है डेट इज ऑफ प्रॉफिट. तो जहां प्रॉफिट होगा वो वहीं जाएगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होता है वो वहां पर भी जाता है जहां कोई भी सिटीजन रह रहा हो एंड उनको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके. इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब अपनी एक ब्रांच जो है वो नुब्रा वैली लद्दाख में खोलने का डिसाइड किया है. सो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है. तो सबसे पहला फैक्ट यहां से जो हम लोग ध्यान रखेंगे वो नुब्रा वैली कहां लोकेटेड है, लद्दाख में. अब लद्दाख जो है वो नई यूनियन टेरिटरी बनने वाला है हमारा 31st of October से आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. तो हम सब लोग जो है अभी सिर्फ पॉलिटी के हिसाब से इस एक्ट को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है यूपीएससी जो है वो लद्दाख की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में भी आपसे पूछ ले. तो आज हम लोग लद्दाख की थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, इनके बारे में देख लेते हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके एनसीईआरटी 7th class में दे रखी है चैप्टर नंबर 10th एज वेल एज इन द थर्ड चैप्टर और सेकेंड चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी 11th class, ठीक है. तो वहां से लिया गया है तो ये ध्यान रखिएगा. अब लद्दाख जो है वो कोल डेजर्ट के नाम से जाना जाता है एंड इट लाइज बिटवीन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एंड ये किस रेंजेस से बंधा, नॉर्थ में काराकोरम रेंज है एंड साउथ में जो है वो जांस्कर माउंटेन्स है. ये ध्यान रखिएगा, लद्दाख कोल डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज, काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड जांस्कर माउंटेन्स इन द साउथ एंड इट इज पार्ट ऑफ कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज. जो इससे बहुत सारी नदियां निकलती हैं बट जो एक सबसे इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है थ्रू लद्दाख इट इज इंडस एंड इंडस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ लद्दाख. अब बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं यहां पर, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जांपल द गांगरी ग्लेशियर. तो ध्यान रखेंगे हम लोग गांगरी ग्लेशियर कहां है, लद्दाख में. एंड ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई एंड क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में आता है हिमालयाज के, तो यहां पर रेनफॉल भी जो है वो 10 centimeters से कम की है. एंड लद्दाख को जो है वो खापा चान के नाम से भी जाना जाता है विच मीन्स स्नो लैंड. कौन कौन से इंपॉर्टेंट बर्ड्स पाए जाते हैं लद्दाख में, रॉबिन्स, रेड स्टार्ट्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुपो, दीज आर द कॉमन बर्ड्स ऑफ लद्दाख. कौन कौन से एनिमल्स हैं, वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स आर फाइंड इन लद्दाख. ले जो है वो कैपिटल है लद्दाख की एंड खरदुंगला पास जो है वो लद्दाख रेंज में है, ठीक है. तो खरदुंगला पास इज लोकेटेड इन लद्दाख रेंज. एंड जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट वाटर लेक्स है यहाँ की, पैनगोंग सो एंड सो मोरोरी सॉल्ट वाटर लेक्स आर इन द लद्दाख रीजन. अभी ये पैनगोंग सो के जो लेक है हमारी उसके बारे में आज हम फिर से एक बार देखेंगे जब इंडिया चाइना के जो सोल्जर्स हैं वहां पर इस लेक के अराउंड इनकी टसल हुई है, तो इसके बारे में वहां पर भी एक बार देखा जाएगा, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लद्दाख के बारे में. नाउ कम टू द पेज नंबर 1 एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू अयोध्या डिस्प्यूट एंड अयोध्या का जो केस है राम जन्मभूमि मंदिर का, राम मंदिर का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो अभी उसको सुन रही है. अब इसी से रिलेटेड कल एक उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जुडिशरी भी हमारी है, सरकार भी हमारी है और राम मंदिर भी हमारा ही बनेगा, ठीक है. तो इसी को लेकर के चीफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपत्ति जाहिर की है कि ऐसा स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया जाना चाहिए, हर पार्टी को फ्री एंड फेयर हियरिंग दी जाएगी एंड देन ओनली केस विल बी
डिसाइडेड, ठीक है। तो ये तो हो गया केस। अब यहां पर एक टर्म मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसकी वजह से इस न्यूज को हाईलाइट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम कितने जजेस होते हैं? 5 जजेस, एटलीस्ट 5 जजेस होने चाहिए, तभी वो बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोली जाएगी, ठीक है। एंड किस आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से रिलेटेड प्रोविजन? आर्टिकल 145 क्लॉज 3। एंड किस पर्पजेस के लिए बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को? टू डिसाइड द केस विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लॉ का, या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई केस हो, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। एंड कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखेंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई भी मैटर प्रेसिडेंट रेफर करता है, देन दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। एंड मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में वो 5। आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से? आर्टिकल 145 क्लॉज 3। तो आपका प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से रिलेटेड गलत नहीं होना चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू मॉब लिंचिंग। एंड यहां पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम मिनिस्ट्री के, उन्होंने बोला है कि जो लिंचिंग की घटनाएं हैं वो अनफॉर्चुनेट है, एंड इसके लिए जो है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रयास करना चाहिए। अब ये मॉब लिंचिंग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, आपसे GS3 में भी पूछा जा सकता है, एट द सेम टाइम GS4 में केस स्टडीज के रूप में भी पूछा जा सकता है कि मॉब लिंचिंग के केसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है। अभी यहां पर जो रिसेंट केस है, दैट इज ऑफ तबरेज अंसारी ऑफ झारखंड, उसको जो है वो बांध करके पीटा गया था, एंड आफ्टर दैट ही डाइड इन हॉस्पिटल। एंड झारखंड पुलिस ने क्या किया है कि अभी जो मर्डर की धारा थी सेक्शन 302, उसको हटा करके 304 लगा दिया है, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो एक तरह से ये केस को डाइल्यूट करने की कोशिश है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज सेड कि ही विल टॉक टू द झारखंड गवर्नमेंट। अब यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है जिसकी सबमिट हो रही थी, जहां पर बोल रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कब बना था ये? 28 अगस्त 1970 को बना था, यानी अभी 2020 में अगले साल इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक है। किस पर्पज के लिए बनाया गया था? फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। इसके अंदर 4 डिविजन आर देयर, रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा इसके क्या पर्पजेज हैं? टू टेक डायरेक्ट एंड एक्टिव इंटरेस्ट इन द इशूज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो जो पुलिस के मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड इशूज हैं उनको डील करना, इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म्स के स्पीडी एंड सिस्टमेटिक स्टडी करना, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर मेथड्स जैसे कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, इन सारी इन्वेस्टिगेशन को पुलिस के अंदर प्रमोट करना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर लिंचिंग के बारे में, एंड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। एंड अभी एज अ मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे कहा जा सकता है, जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्लान कर रही है कि जो प्राइवेट लोग हैं उनको भी कुछ ट्रेनें जो हैं वो ऑपरेट करने के लिए दी जाएंगे, ठीक है। एंड इसी के तहत अभी जो पहला एक PSU है हमारा IRCTC, उसको बोला गया है कि दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस जो है वो रन करेगा, ठीक है, अभी इन द कमिंग अक्टूबर। अब IRCTC के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे जो है वो आपसे GS3 में पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज के दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। कि प्रोज क्या है कि एक तो प्रोफेशनलिज्म आएगा, दूसरी चीज कंपटीशन बढ़ेगा, एक पर्टिकुलर मोनोपोली खत्म होगी, ठीक है। दूसरा जो उसके कॉन्स हैं वो ये हैं कि क्योंकि इंफ्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए, अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो हो सकता है कि उसके प्राइसेस बढ़ जाएं, या फिर जो गवर्नमेंट का खुद का है, जैसे कि हमने रोड ट्रांसपोर्ट के केस में देखा कि रोड ट्रांसपोर्ट में पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर ही है, तो हो सकता है गवर्नमेंट भी धीरे धीरे करके रेलवे से पूरी तरह से बाहर चली जाए। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, जैसा भी आपको क्वेश्चन में लिखने के लिए पूछा जाए यू पीपल कुड राइट इट। अब फैक्ट के हिसाब से IRCTC के बारे में देख लेते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये जो है वो ध्यान रखिएगा मिनी रत्ना कंपनी है, एंड इसकी जो मिनिस्ट्री है इट इज सब्सिडरी ऑफ द इंडियन रेलवेज, एंड इसका जो मेजर काम है वो है टिकटिंग का, ठीक है। तो हर दिन जो है 5.5 से 6 लाख टिकट जो है वो IRCTC के जरिए बुक किए जाते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है IRCTC का? न्यू दिल्ली में। तेजस ट्रेन के बारे में देख लेते हैं। तेजस जो है इट इज फर्स्ट
सेमी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशन ट्रेन इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवेज। तो सेमी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशन ट्रेन है इंडियन रेलवेज की तेजस, एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर तक की है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है दैट इज एट 130 किलोमीटर पर आवर ड्यू टू ट्रैक एंड सेफ्टी कंस्ट्रेंट्स। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग तेजस, IRCTC एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 2, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू EPCA, Environment Pollution Control Authority, एंड उन्होंने बोला है कि जो भी व्हीकल्स के ऊपर RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैक्स लगे हुए हैं, अब ये टैक्स किस पर्पस के लिए लगाए गए हैं, ताकि टोल्स में व्हीकल्स को ना रुकना पड़े, एंड RFID के जरिए डायरेक्टली जो है जैसे ही व्हीकल पास होगा टोल प्लाजा से तो उसका जो भी अमाउंट लगना है उसको डिड्यूस किया जा सके। तो EPCA ने बोला है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने, कि जो भी अपने टैक्स में रिचार्ज नहीं कराएंगे उनको डबल पेनल्टी पे करनी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई न्यूज। अब हम लोग EPCA के बारे में देख लेते हैं, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। इसको कब बनाया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। इसका मेजर काम है टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो UPSC में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि EPCA का मेजर काम क्या है, टू टैकल एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। इसके से किस एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। एंड इसका जो बेसिक काम है, पहला तो एनवायरमेंट पॉल्यूशन NCR में देखना कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम रहे, दूसरा काम है कि अगर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इन्फोर्स करना। ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या होता है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे स्ट्रिक्ट मेजर्स लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आज पॉल्यूशन कम है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को रोका जाएगा, फिर अगर अब भी पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा है तब फिर व्हीकल कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे ऑड एंड इवन फॉर्मूला है। तो इन सारे रिस्पॉन्सेज के ऊपर जो है वो EPCA काम करता है। अभी प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के? IAS ऑफिसर भूरेलाल, ही इज द चेयरमैन ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। नाउ कम टू पेज नंबर 4, एंड यहां पर डेंगू से रिलेटेड जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट कैंपेन चला रही है उससे रिलेटेड न्यूज है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। ठीक है, तो डेंगू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेंगू मॉस्किटो जो है वो कहां पर होता है? क्लीन वाटर में होता है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि डेंगू मॉस्किटो ग्रोज फ्रॉम एन एग इनटू अ मॉस्किटो इन 8 to 10 days। ठीक, एंड जो इसकी रेंज है, फ्लाइट रेंज कितनी है डेंगू मॉस्किटो की, दैट इज 200 meters। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि कहीं पूछ लिया जाए। सो रिमेंबर दिस थिंग कि डेंगू का मॉस्किटो जो है वो क्लीन वाटर में होता है, दूसरा कि उसको डेवलप होने में 8 to 10 days लगते हैं, एंड थर्ड थिंग इज कि डेंगू मॉस्किटो की जो फ्लाइट रेंज है वो कितनी है, 200 मीटर्स की। एंड ये कैंपेन ध्यान रखिएगा दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वॉर। नाउ कम टू पेज नंबर 7, यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नर्मदा रिवर, एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन मध्य प्रदेश एज वेल एज गुजरात, नर्मदा का जो डेंजर मार्क से ऊपर जो है वो नर्मदा फ्लो कर रही है। ठीक है, जो भरूच डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर डेंजर मार्क से 3 feet ऊपर नर्मदा बह रही है। ठीक है, अब डैम बनाने का सबसे बड़ा जो एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस है वो यही है कि आपको फ्लडिंग, जो उसके एरियाज हैं, नियर बाउंड एरियाज हैं, वहां पर हर साल जो है वो फ्लडिंग की समस्या बन सकती है। हम लोग नर्मदा रिवर के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा रिवर का जो ओरिएंटेशन है, नर्मदा रिवर की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। इंडिया की जो ज्यादातर रिवर्स हैं वो ईस्ट फ्लोइंग है एंड दे फॉर्म डेल्टास, बट नर्मदा अलोंग विद तापी इज द ओनली 2 rivers विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। नर्मदा जो है उसका ओरिजिन कहाँ है? अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहां पर अमरकंटक कुंड है, जहां से नर्मदा निकलती है। एंड जो नर्मदा का फ्लो है दैट इज बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट वैली है उससे नर्मदा जो है वो फ्लो होती है। एंड जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है नर्मदा पे वो कौन सा है? धुआंधार वाटरफॉल। एंड जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं नर्मदा रिवर के ऊपर वो कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, बर्गी एंड तवा। किन किन स्टेट से फ्लो होती है नर्मदा? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जो इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं नर्मदा की वो कौन सी हैं? शेर, शक्कर, दूधी, तवा एंड गंजल। जो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है? टेंडोनी, बारना एंड कोलार। ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड यहां पर हमारी जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कृष्णा
रिवर एंड यहाँ पर भी यही हालात हैं, ठीक है, कि अभी कृष्णा में भी बहुत ज़्यादा वाटर फ्लो हुआ है पानी ज़्यादा बरसने के कारण। एंड अभी जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि जो रिजर्वॉयर्स हैं दैट शुड बी फिल्ड विथ फ्लड वाटर फास्ट, ठीक है। तो अभी जो तक जो है आंध्र प्रदेश में फ्लड वाटर के जरिए जो रिजर्वॉयर्स को फिल करने का टाइम था उसको वो 120 डेज था। एंड चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि इसको ऑफिशियल्स को कोशिश करनी चाहिए कि इसको घटा करके 30-40 डेज पर लाया जाए, ठीक है। इंडिया रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली कि वाटर स्कार्सिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन इंडिया इज दैट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। क्योंकि अभी अगर एक महीने या डेढ़ महीने पहले की हम बात करें तो वी वर सीइंग ड्रॉट ड्रॉट ड्रॉट, अभी क्या है फ्लड फ्लड फ्लड। तो एक तरह से ये जो वाटर का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे ना हम लोग, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये एंड यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में भी जीएस वन में कि इन इंडिया द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट दैट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी बट रैदर दैट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एंड उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। तो आज आप लोग जिन लोगों को भी आता है इसके बारे में वो कमेंट करके बताएं कि वाटर मैनेजमेंट इंडिया में और कैसे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली किया जा सकता है। अब हम लोग कृष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर। कहाँ ओरिजिन है कृष्णा रिवर का? महाबलेश्वर इन सह्याद्री जोर विलेज सतारा महाराष्ट्र। लेंथ कितनी है इसकी? 1401 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा एंड पंचगंगा, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। एंड अगर आप इस ट्रिब्यूटरीज को ध्यान से देखें तो इन सबके एंड में ए आ रहा है, ठीक है। एंड कावेरी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबके एंड में आई आता है। तो याद रखने का या एलिमिनेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड ये भी हो सकता है कि कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा एंड पंचगंगा। किन किन स्टेट से फ्लो होती है कृष्णा? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। एंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं कृष्णा पर? अलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम एंड नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डैट इज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट। एंड अब यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट एंड जो सेंटर की दिल्ली गवर्नमेंट है उसके बीच में टसल की पूरी सिचुएशन बन चुकी है। बिकॉज गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट में जो फाइन लगाए गए थे उनको कम कर दिया है, ठीक है। तो अब इसी से रिलेटेड ये न्यूज है, आज इसी से रिलेटेड एडिटोरियल भी आया हुआ है, सो वी विल डिस्कस दैट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहां पर जो सेंट्रल अभी रोड ट्रांसपोर्ट जो है गुजरात गवर्नमेंट ने सेंटर के लॉ में कैसे अमेंड कर पाई, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, तो क्यों कर पाए? बिकॉज रोड ट्रांसपोर्ट फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन लिस्ट है विच आर मेंशन्ड इन द सेवंथ शेड्यूल। फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसमें जो लॉ बनाने की पावर है वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जो हमारा सेकंड लिस्ट है दैट इज स्टेट लिस्ट, वहां पर जो मैटर्स है उस पर बनाने लॉ बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जैसे लैंड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, फायर सर्विसेज हो गया, ये सारे जो हैं वो किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तीसरी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें कि मैटर्स लाइक एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, दे आर केप्ट, एंड यहाँ पर पावर लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 254, उसमें क्लियरली मैंशनड है कि अगर कंकरेंट लिस्ट में दोनों लोग लेजिस्लेट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई लॉ बनाती है, एंड अगर उन दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तब सेंटर का लॉ जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। एंड यहीं से प्रॉब्लम खड़ी होती है क्योंकि गुजरात ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ जो बनाया था उन्होंने उसके खिलाफ जाते हुए फाइंस को जो है वो कम कर दिया गया है। एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर सेइंग कि दिस कुड बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, एंड जो गुजरात गवर्नमेंट ने किया है वो बहुत दिनों तक कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट कंकरेंट लिस्ट में है, तीन लिस्ट है हमारे पास विच आर मेंशन्ड इन द सेवंथ शेड्यूल एंड ऑल दीज पॉइंट्स एंड आर्टिकल 254 की इफ देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर ऑन अ प्रोविजन ऑफ अ लॉ ऑन अ मैटर दैट फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट देन द लॉ मेड बाय द सेंटर विल ओवर रूल द स्टेट, ठीक है। तो अगर किसी मैटर में कंकरेंट लिस्ट के किसी मैटर में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। अब यहां पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा आज फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर पूछा जाएगा तो सभी लोगों को, ज्यादातर लोगों को जो है वो सिर्फ फाइन फाइन याद आएगा, ठीक है। तो इसमें इस एक फाइन्स के अलावा भी और बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस किए गए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है रिलेटेड टू कंपनसेशन फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, एंड गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बोला है कि दे विल कम आउट विद अ स्कीम फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर, ठीक है। तो गोल्डन आवर क्या होता है, एक्सीडेंट होने के बाद का जो पहला घंटा है, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ डेड विक्टिम, तो उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। एंड गवर्नमेंट ने, बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जहां पर अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हॉस्पिटल्स एडमिट नहीं कर रहे या ये सारी दिक्कतें आती थी, उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि स्कीम लाएंगे फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यूरिंग गोल्डन आवर और द फर्स्ट आवर ऑफ एक्सीडेंट। दूसरा जो है यहां पर बोला गया है कि कंपलसरी इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, तो एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा जिसके अंदर जो भी लोग इंडिया में रोड्स के ऊपर है, इट दे विल बी प्रोवाइडेड कंपलसरी इंश्योरेंस, ठीक है। एंड इंश्योरेंस का जो पैसा है वो कब मिलेगा, अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है या फिर किसी को ग्रीवियसली इंजरीज आ जाती हैं, या फिर जो पहले गोल्डन आवर में जो पैसा चाहिए उसके लिए भी पैसा कहां से दिया जाएगा, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के जरिए। तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज रिलेटेड टू सैमरिटन्स, एंड पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग मदद करने से सामने इसलिए नहीं आते थे कि बहुत सारी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते थे। अभी गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बोला है कि नो सिविल और क्रिमिनल एक्शन विल बी टेकन फॉर अगेंस्ट सच अ पर्सन हु इज हेल्पिंग, ठीक है, कि जो है मदद कर रहा है अगर किसी एक्सीडेंट विक्टिम्स की, तो उसके खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। एंड दूसरा इसके बाद का क्या प्रोविजन है, रिकॉल ऑफ व्हीकल्स, अगर कोई व्हीकल जो है वो डिफेक्टिव है या उसके कारण एनवायरमेंट को डैमेज हो रहा है, तो उस ऐसे व्हीकल को जो है वो गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि उसको रिकॉल किया जा सके। एंड एट द सेम टाइम जो मैन्युफैक्चरर है व्हीकल का, उसको या कि उस व्हीकल को रिप्लेस करके देना होगा, बना करके देना होगा, या फिर जो पूरी कीमत है व्हीकल की, डैट विल बी पेड टू कंज्यूमर। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी बनाएगी इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि एक रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जा सके एंड परमिट्स के रिलेटेड फ्रेमवर्क डेवलप किया जा सके एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो बेटर बनाया जा सके। इसके अलावा रोड सेफ्टी बोर्ड बनाने के लिए भी बात की गई थी, एंड रोड सेफ्टी बोर्ड बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि मोटर व्हीकल्स के जो स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करवाया जाए, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ व्हीकल्स, स्टैंडर्ड्स फॉर रोड सेफ्टी एंड प्रमोशन ऑफ न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी, तो ये सारे काम जो है वो रोड सेफ्टी बोर्ड को दिए गए हैं। इसके अलावा पेनल्टीज जो है वो बढ़ाई गई हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर के पेनल्टी बढ़ाई गई है कि 2,000 से 10,000, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के नहीं चल रहे हैं तब आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 5,000 तक का, अगर हेलमेट लगाकर नहीं चल रहे हैं तब भी आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है 5,000 का। तो इसी को लेकर के सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हो हल्ला मचा रहे हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, कंकरेंट लिस्ट के बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में एंड आर्टिकल 254 के बारे में। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है, दैट इज रिलेटेड टू रेजिग्नेशन ऑफ और एग्जिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे ट्रंप के, जॉन बोल्टन, उनको उन्होंने बोला कि आप अब जा सकते हैं, आपसे आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है, सो ही हैज बीन आस्क्ड टू लीव। अब इसका जो इनका जो टेन्यूअर था वो कैसे याद किया जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्ट्रा हॉकिश पोजीशंस, ठीक है। तो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी उनको कम करने की जगह इन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाने का काम किया है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़ाई अमेरिका के लिए, एक तो ईरान के साथ जो हॉस्टिलिटीज थी वो बढ़ाई, दूसरा जो है इन्होंने रशिया के साथ हॉस्टिलिटीज बढ़ाई कि सैंक्शन जो है वो और ज़्यादा इम्पोज किए, इसके अलावा चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस पर भी, मतलब उसका जो रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा था वो भी उसकी वजह भी यही बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो बातचीत हो रही थी वो फेल हुई, उसके पीछे भी यही थे। नॉर्थ कोरियन लीडर को उकसाने में और कि कोई डील ना फाइनल हो पाए उसके लिए भी इन्हीं को जिम्मेदार बताया जा रहा है। एंड सबसे बड़ा जो डैमेज इन्होंने किया है ऑन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ह्यूमन राइट काउंसिल UNHRC को छोड़ दिया, यूनेस्को को छोड़ दिया, तो ये भी इन्हीं के एडवाइस पे किया जा रहा था। इसके अलावा जो मल्टी पार्टी न्यूक्लियर डील साइन की गई थी ईरान के साथ, उससे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने पुल आउट कर लिया। एंड इसके अलावा जो रशिया के साथ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी 1987 में साइन की गई थी, फ्रॉम दैट ऑल्सो US हैज पुल्ड आउट। तो एक तरह से जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं अमेरिका की अभी एट प्रेजेंट, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं इनका जो एक हॉकी स्टैंड, तो हॉकी स्टैंड का मतलब होता है कि आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हो, ठीक है, कि मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन है वो लेने के लिए।
तो इसको जो है वो हॉकिंस स्टैंड बोला जाता है। अब यहां से इंडिया के लिए क्या लेसन है, सबसे पहला लेसन ये है कि अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन यही है कि हम जब भी अपने बायलैटरल रिलेशंस में डील करें तो उनको इंडिपेंडेंटली देखें। जैसा कि हमने अमेरिका के कहने पे ईरान से जो है वो जो ऑयल इंपोर्ट है वो जीरो कर दिया, ठीक है। अब अमेरिका एंड ईरान अगर कल को समझौता कर लेते हैं तो ईरान तो हमारे ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगा ना, सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी देश जैसे कि चाइना है, रशिया है, टर्की है, इनके ऊपर भी यूएस के सैंक्शंस थे, बट इन्होंने तो अपना ऑयल इंपोर्ट जीरो नहीं किया। तो सो फर्स्ट लेसन इज दैट कि इंडिया शुड नॉट बी मतलब टू मच डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड उनकी जो पॉलिसीज हैं वो अपनाएं, हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको हम क्लियरली मेंटेन करें। अगर इंटरव्यू में या जीएस टू में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस के साथ आता है तो इस चीज को भी हाईलाइट किया जा सकता है। इसके अलावा इंडिया को किसी भी एक सिंगल एडवाइजर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो एडवाइजर कभी भी बदले जा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को यहां पर हाईलाइट किया गया है, ठीक है। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल, एंड आज का जो लीड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड कांग्रेस जो है वो एक तरह से अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही है, एंड क्यों रिवाइव नहीं कर पा रही है उससे से रिलेटेड ये सारा का सारा आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो इट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, ये कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अंदर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो दैट वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल, एंड अगेन सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ईरान अंडरस्टैंडिंग, इट कुड बी ऑन द कार्ड्स, एंड ये एडिटोरियल का भी बैकग्राउंड जो है जो हमने सबसे पहला एडिटोरियल डिस्कस किया है उसी से जुड़ा हुआ है, एग्जिट ऑफ द एनएसए जॉन बोल्टन, ठीक है। अब जॉन बोल्टन क्योंकि वो ईरान के साथ या किसी भी देश के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं होने दे रहे थे, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ईरान के उनके जाने के बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है, दूसरा जो है यूनाइटेड स्टेट्स में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जरूर ये चाहेंगे कि वो ये दिखा सकें कि ही कैन डील विद द इंटरनेशनल अफेयर्स, एंड अफगानिस्तान में तो उनको सक्सेस मिली नहीं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में भी सक्सेस नहीं मिली, नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ भी कोई डील फाइनल नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली जो लास्ट होप है वो ईरान के साथ है कि अगर हम ईरान के साथ डील कर सकें तो चुनाव के टाइम पे बताया जा सकेगा कि ही हैड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ईरान एंड ही कैन डील विद द इंटरनेशनल अफेयर्स वेरी इजिली, ठीक है। तो ये एक चीज है। इसके अलावा इसराइल जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यूनाइटेड स्टेट्स के ईरान के साथ इश्यूज को डील करने में, तो ट्रंप को ये पता है कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, एंड उसके मानने या ना मानने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सो देयर कुड बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान, यही इस चीज़ को यहाँ पर आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है, एंड वी विल सी कि वेदर दैट अंडरस्टैंडिंग टेक्स प्लेस और नॉट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग होने वाली है सेप्टेम्बर में उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट एंड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनके बीच में बातचीत हो सकती है। नाउ कम टू द सेकेंड एडिटोरियल, एंड सेकेंड एडिटोरियल जो है हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इट इज रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल वायलेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट्स को बहुत सारा बैकलैश झेलना पड़ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली फाइन जो है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट पुलिस, एंड फिर सारी की सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो जो भी मेजर प्रोविजंस है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के वो तो हम लोग देख ही चुके हैं, एंड इंडिया में क्यों ये जरूरी था, बिकॉज कि हर साल 1.5 लाख लोग, अराउंड 1.5 लाख पीपल डाई बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड ये जो है स्टेप लिया गया है। अब एडिटोरियल ने हाईलाइट किया कि फाइंस बस लगाने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टीज लगाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, आपको बाकी चीजों के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है, रोड्स की कंडीशन को ठीक करने की जरूरत है, ट्रैफिक सिग्नल्स को, साइनेज को, इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, एंड जो आरटीओ सर्विसेज हैं, जो आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो है वो सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिस माना जाता है, आप वहां पर कभी भी चले जाइए तो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बिना रिश्वत दिए नहीं बन सकता, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो उसको ठीक करने की जरूरत है कि लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ आरटीओ सर्विसेज दी जा सके, इसका गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए थी। इसके अलावा जो वीआईपीज जब रूल्स तोड़ते हैं उनको इम्प्यूनिटी मिल जाती है, उनको कोई सजा नहीं होती, तो गवर्नमेंट को यह भी इंश्योर करना चाहिए कि वीआईपीज को कैसे सजा मिल सके, ठीक है, कि वो भी ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें, ठीक है। एंड इसके अलावा एडिटोरियल में सजेस्ट किया गया है कि जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो नेशनल सेफ्टी रोड सेफ्टी बोर्ड को बनाए, एंड जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए एक्सीडेंट्स में उनको प्रॉपरली कंडक्ट किया जा सके। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड यहाँ पर जो हमारा जो आज की फ्राइडे का डिस्कशन है डेट इज फॉर आर पब्लिक यूनिवर्सिटीज अंडर थ्रेट, क्या पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है हमारी
उनके ऊपर किसी प्रकार का खतरा है। एंड बैकग्राउंड क्या है इस पूरे डिस्कशन का, दैट इज रीसेंट मूव बाई रजिस्ट्रार ऑफ द जेएनयू, जब उन्होंने जो रोमिला थापड़ एंड 11 अदर प्रोफेसर्स को बोला कि वो अपना करिकुलम वाइटे या सीवी जो रेज्यूमे होता है वो सबमिट करें ताकि उनके काम को इवैल्यूएट किया जा सके एंड ये डिसाइड किया जा सके कि उनको प्रोफेसर एमेरिटस बना के रखना है या नहीं बना करके रखना है। ठीक है, अब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट किसी को सिनेमा में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे, ठीक है, एंड उसके बाद फिर डिसाइड करे कि मतलब आपका काम सही था या नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से जो प्रोफेसर एमेरिटस का एक ऑनरेडी स्टेटस होता है वो किसी प्रोफेसर को दिया जाता है जब उसने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया हो एंड वो लाइफ लॉन्ग दिया जाता है। एंड इस तरह से स्टोरी जो हमारे एकेडमिशियंस या इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे उनका रेज्यूमे मांगना ये एक तरह से ह्यूमिलिएशन के बराबर है। इसीलिए जो है ये सारा का सारा लिखा जा रहा है कि क्या इसके जरिए जो है वो इंटेलेक्चुअल्स को या जो एकेडमिशियंस हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे पहले तो समझ लीजिए कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस है उसका सोशल मोबिलाइजेशन का, क्योंकि हमारे पास लैंड या वेल्थ तो इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लोगों के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकें, उनको बांट सकें, लेकिन एक हायर एजुकेशन ही है या शिक्षा ही है जो हम लोगों तक बांट सकते हैं जिसके जरिए वो अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को, सोशल कंडीशन को सुधार सकते हैं। तो इसलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक यूनिवर्सिटी का कि दे आर स्पेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, तो जो समाज का बना बनाया ढर्रा है उसके खिलाफ भी सोचने का जो स्पेस है वो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंस है पब्लिक यूनिवर्सिटीज का कि दे कुड बी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर मान लीजिए कि आप समाज में तो अचानक से इक्वालिटी नहीं ला सकते या फिर अचानक से जाति प्रथा को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसी कंडीशंस बनाई जा सकती हैं जहां पर कि स्टूडेंट्स रह करके देखें कि अगर जाति नहीं होगी तो कितना फायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, दोनों चीजें समझी जा सकती हैं। सो यूनिवर्सिटीज कुड बी अ स्पेस फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ऑल्सो। तो इसलिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट है। एंड इस पूरे डिस्कशन में बाकी और कोई भी सजेशन नहीं दिया गया है कि कैसे मतलब इनको और इंश्योर किया जा सकता है या अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बाकी डिस्कशन उसी से रिलेटेड है कि कैसे क्या अटैक हुआ। एंड यहां पर जो एक जो डिस्कस कर रहे हैं उनमें से एक हैं जिन्होंने ये सारा स्टेटस दिया था, तो उसी को हाईलाइट किया गया है कि किस बेसिस पर दिया गया है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस बट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटी ये आप लोग ध्यान रखिएगा हायर एजुकेशन में या GS2 में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज क्या इंपॉर्टेंस है तो आप इस आर्टिकल के जरिए जो है वो सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 12 एंड यहां पर प्रधानमंत्री ने दो स्कीम्स लॉन्च की हैं उससे रिलेटेड न्यूज है। तो सबसे पहली जो स्कीम लॉन्च की है वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एंड दूसरा है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है उसमें क्या किया जाएगा, 60 साल की उम्र होने के बाद जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 3,000 रुपये की पेंशन जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अभी आपको इस स्कीम में रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपकी उम्र 18 साल से 40 साल के बीच में है एंड जब आप 60 साल के होंगे तब आपको 3,000 रुपये की पेंशन जो है वो गवर्नमेंट देगी। दूसरा जो है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना है, इसके बारे में देख लेते हैं ये किन लोगों के लिए है, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड इसके जरिए उन सारे लोगों को कवर किया जा रहा है जिनका जो एनुअल टर्नओवर है दैट इज लेस देन 1.5 करोड़। ठीक है, तो 1.5 करोड़ से कम का अगर आपका टर्नओवर है एंड इफ यू आर अ शॉप ओनर या रिटेल ट्रेडर या राइस मिल ओनर, ऑयल मिल ओनर्स, जितने भी छोटे व्यापारी हैं उन सभी को कवर किया गया है। एंड इसमें भी आपकी जो एज ग्रुप है दैट इज बिटवीन 18 to 40 years ऑफ एज एंड अभी से अगर आप कुछ पैसा उसमें जमा करेंगे देन यू विल गेट अ पेंशन ऑफ 3,000 रुपीज पर मंथ व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 60 years। ठीक है, अभी ये कौन सी जो है वो कौन पेंशन देगा आपको एट दैट टाइम, LIC। तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग दो स्कीम्स के बारे में एंड एक तरह से सोशल सिक्योरिटी प्रमोट करने के लिए इनिशिएटिव्स हैं। तो अगर सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड GS3 में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द मेजर स्कीम्स विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग द सोशल सिक्योरिटी, तो आप इन दोनों स्कीम्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट एंड लद्दाख में जो पैंगोंग सो लेक है, मैंने आपको लद्दाख के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी बोला था कि वी विल अगेन डिस्कस इट एंड यहाँ पर इंडिया चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनके बीच में टसल हुई एंड आफ्टर दैट इट वॉज रिजॉल्व ऑल्सो, उसको सॉल्व कर लिया गया है। अभी रिसेंटली जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आने वाले हैं फॉर द इनफॉर्मल समिट जो ममल्लापुरम में होने वाली है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया चाइना बॉर्डर के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया जो है वो चाइना के साथ
कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितने लेंथ की, 3488 किलोमीटर, एंड इट इज सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर बांग्लादेश। तो यहां पर एक फैक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे, सबसे लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ, आफ्टर बांग्लादेश विद चाइना अराउंड 3488 किलोमीटर। एंड जो इंडिया चाइना बाउंड्री है उसको जो है मेजरली तीन सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। मिडिल सेक्टर जो है हमारा डेट इज रिलेटिवली काम एंड क्लियर, वहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है एंड ईस्टर्न सेक्टर है वहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है हमारा चाइना के साथ। अब चाइना के साथ हमारे पांच स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बनेगा 31 अक्टूबर को, तब चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए पांच स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, दे शेयर बॉर्डर विद चाइना। अब यहां पर क्योंकि डिस्प्यूट वेस्टर्न सेक्टर के में है, तो हम लोग वेस्टर्न सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया शेयर्स अबाउट 2152 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना, एंड यहां पर जो है बाउंड्री किन दो प्रोविंसेस के बीच में है, जम्मू कश्मीर एंड जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड हियर देयर इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर अक्साई चीन, एंड इसी को लेकर के 1962 में वॉर हुआ था, एंड इंडिया को, इंडिया बोलता है कि अक्साई चीन जो है वो कश्मीर का पार्ट है, एंड चाइना बोलता है कि अक्साई चीन जो है वो जिनजियांग प्रोविंस का पार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो डिस्प्यूट की शुरुआत है वो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे देखी जा सकती है। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जब वो रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर, तब वहाँ पर दो लाइन डिफाइन की गई थी, सबसे पहली थी जॉनसन लाइन एंड दूसरी थी मैकडोनल्ड लाइन। एंड जॉनसन लाइन जो है वो 1865 में प्रपोज की गई थी, विच शोज की अक्साई चीन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया के कंट्रोल में था, एंड इंडिया ऑब्वियसली इसी लाइन को मानता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मैकमोहन लाइन हो या रेडक्लिफ लाइन हो, इनके बारे में सब लोग जानते हैं, जॉनसन लाइन भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में डिस्प्यूट है अक्साई चीन को रिलेटेड। एंड जो चाइना बाउंड लाइन मानता है वो कौन सी मानता है, मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन जो है वो 1893 में प्रपोज की गई थी, एंड इट शोज की अक्साई चीन इज अंडर चाइनाज कंट्रोल, ठीक है। तो अभी इसी को लेकर के डिस्प्यूट है, एंड जम्मू कश्मीर के जो एरिया में जो लाइन अभी डिमार्केट करती है इंडिया एंड चाइना की बाउंड्री को, डेट इज नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एंड इट इज द लाइन सेपरेटिंग इंडियन एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम अक्साई चीन। यहां पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC जो है वो हमारी किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा जो है वो किसके साथ है, डेट इज विथ चाइना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इसके बारे में, इंडिया चाइना बाउंड्री एंड स्पेशली विथ रिगार्ड टू द वेस्टर्न सेक्टर, दो लाइंस जरूर ध्यान रखिएगा, जॉनसन लाइन एंड मैकडोनल्ड लाइन। एंड मैकमोहन लाइन भी जो है हमारी, इट इज रिलेटेड विथ चाइना बट इट इज इन द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश साइड में जो लाइन डिमार्केटेड है दैट इज मैकमोहन लाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP से रिलेटेड न्यूज है। एंड अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर अगस्त में गए थे RCEP की समिट को अटेंड करने के लिए, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। एंड यहां पर ऑस्ट्रेलिया को जो नेगोशिएटर है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने ये बोला है ऑस्ट्रेलिया के नेगोशिएटर ने कि सारे कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि नवंबर 1 से पहले RCEP का जो डील है वो फाइनल कर लिया जाएगा, एंड ऑल द कंट्रीज आर कमिटेड टूवर्ड्स इट। अब इंडिया को RCEP के साथ क्या प्रॉब्लम है ये पूछा जा सकता है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इंपोर्ट्स से रिलेटेड, क्योंकि RCEP जो है वो एक तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन द 16 कंट्रीज, तो इंडिया चाहता है कि वो इंपोर्ट्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा सके, ताकि ऐसा ना हो कि, क्योंकि चाइना भी उसका एक पार्ट है, तो चाइना से जो गुड्स हैं, सस्ते गुड्स हैं, वो इंडियन मार्केट्स में फ्लो हो जाए एंड इंडिया की इकोनॉमी को और ज्यादा बुरा असर पड़े। दूसरा जो है, इंडिया जो है वो ड्यूअल टैरिफ मैकेनिज्म चाहता है ऐसी कंट्रीज के साथ जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, जैसे कि चाइना। तो जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दैट इज विद आशियान, 10 आशियान कंट्रीज, तो उनके साथ हम एक टैरिफ रखेंगे, एंड जो जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है उनके लिए हम हायर टैरिफ इंपोज कर सके, ऐसा इंडिया का एक डिमांड है। तीसरी जो डिमांड है इंडिया की, दैट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर सर्विसेज। तो जो ज्यादातर कंट्रीज हैं वो गुड्स को लेकर के तो चाहती हैं कि फ्री ट्रेड हो, लेकिन सर्विसेज जिसमें इंडिया स्ट्रांग है एंड इंडियन वर्कर्स कुड वर्क ओवर देयर, उसको लेकर के एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, सो दैट इज ऑल्सो वन पॉइंट ऑफ टसल। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ डेयरी इंपोर्ट्स को लेकर के है, तो एक फियर ये भी है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से जो डेयरी इंपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एंड इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट ऑफ टसल हैं बिटवीन इंडिया एंड RCEP कंट्रीज। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, एक तो इंपोर्ट्स को लेकर के रिलेटेड, दूसरा है ड्यूअल टैरिफ मैकेनिज्म, तीसरा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर सर्विसेज, एंड चौथा है डेयरी इंपोर्ट्स, ठीक है। अब जो UPSC में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें आपको 200 से 250 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं और आप उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो यू कुड राइट अ गुड आंसर।
आरसीईपी के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। इट इज अ प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन आसियान कंट्रीज एंड 6 एशिया पैसिफिक स्टेट्स। कौन कौन से एशिया पैसिफिक स्टेट्स हैं? इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड साउथ कोरिया। पहली बार जो है आरसीईपी कब प्रपोज किया गया था? इन 2012। एंड आरसीईपी में वो सारी 6 कंट्रीज हैं जिनके साथ आसियान के जो 10 कंट्रीज हैं उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से है। तो इस एक चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, आरसीईपी एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इंडिया हैज विद दिस आरसीईपी डील। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, एंड यहां पर एक न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू एक्सोप्लैनेट। एंड एक एक्सोप्लैनेट है जहां पर पानी जो है वो पाया गया है, ठीक है। तो वाटर हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एन एक्सोप्लैनेट विथ अर्थ लाइक टेम्परेचर्स दैट कुड सपोर्ट लाइफ। तो एक तरह से कोशिश की जा रही है कि ये स्टडी करने की कि मतलब धरती के अलावा और कहां जीवन पाया जा सकता है, ये कहां पर पानी पाने की संभावना है, ठीक है। तो उसी के तहत ये जो है वो एक देखा गया है कि एक प्लैनेट है एक्सोप्लैनेट K2-18b जहां पर ऐसा है कि एटमॉस्फेयर में वहां के पानी देखा गया है। अब एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं वो ध्यान रखेंगे हम लोग, कि एन एक्सोप्लैनेट और एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट इज अ प्लैनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं उनको जो है वो एक्सोप्लैनेट बोला जाता है। नाउ कम टू बिजनेस पेज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो ग्रोथ है जुलाई में डेट अगेन इंक्रीज टू 4.3%, ठीक है। तो जो पिछले महीने जून में जो स्लो डाउन देखा गया था उससे इंप्रूव करते हुए 4.3% की ग्रोथ जो है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखी गई। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? एक इंडेक्स है विच मेजर्स 3 थिंग्स, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो माइनिंग को कितना वेटेज दिया गया है? 14.373%। इलेक्ट्रिसिटी को कितना वेटेज दिया गया है? 7.994%। एंड मैन्युफैक्चरिंग को कितना वेटेज दिया गया है? 77.633%, ठीक है। एंड इसको कंपाइल और पब्लिश कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इट इज अ कंपोजिट इंडिकेटर दैट मेजर्स द शॉर्ट टर्म चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 40.27% है वेटेज वो 8 कोर इंडस्ट्रीज का है। एंड 8 कोर इंडस्ट्रीज हमारी कौन सी है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा जो है वो हर महीने आता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे इसमें जो 3 सेक्टर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग। इनका परसेंटेज वाइज वेटेज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा परसेंटेज है मैन्युफैक्चरिंग का, फिर माइनिंग का, फिर इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज आई होप क्लियर है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको कंपाइल और पब्लिश कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। बेस ईयर क्या है? 2011-12। अब रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में देख लेते हैं, इसमें भी इंक्रीज देखा गया है। रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में किसके जरिए मेजर किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए, ठीक है। एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 3.21%, इट हैज इंक्रीज, लेकिन ये रेंज है। अब आरबीआई जो है वो अपनी पॉलिसी रेट के जरिए इसी को टारगेट करता है, इन्फ्लेशन को। अब आरबीआई की इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितना है? 4%± 2%, ठीक है। तो ये विथ इन रेंज है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारे 4 तरह के हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज। अब जो CSO है हमारा डेट इज कंज्यूमर, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है उसको कौन रिलीज करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है। एंड इट इज बेस्ड ऑन रिटेल प्राइसेस। एंड जो DA होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डेट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर CPI के बारे में, रिटेल इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ कम टू पेज नंबर 18, एंड यहां पर जो एक न्यूज आई हुई है दैट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, ठीक है। तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स को हाईलाइट किया गया साउथ इंडिया से जिनको कि अभी पिछले एक साल में या फिर पिछले कुछ सालों में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो सबसे पहला हाईलाइट किया गया है इरोड टर्मरिक। इरोड टर्मरिक ऑफ तमिलनाडु हैज बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड रिमेंबर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। तो हल्दी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। दूसरा जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है वो है अराकू अरेबिका कॉफी, ठीक है। अराकू अरेबिका कॉफी हैज बीन ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इसके अलावा अराकू कॉफी जो है वो इतनी ज्यादा इतना इंटेंस मतलब उसके अंदर खासियत क्यों आती है? बिकॉज ऑफ अ मिक्स क्लाइमेट ऑफ अराकू, हॉट डेज एंड कूल नाइट्स कपल्ड विथ नेचुरली आयरन रिच
सोयल। इसके अलावा किसको मिला है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कोडाकनल मलाई पोंडू हिल गार्लिक एंड फोर्थ ऑप्शन इज पलानी पंचीमिर्थम फर्स्ट प्रसादम। इट इज द फर्स्ट प्रसाद टू गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग पलानी पंचामिर्थम। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में देख लेते हैं, ये किस लिए दिया जाता है, कौन देता है। ये इंडिकेशन है कि इसके जरिए आपको ये वेरीफाई हो जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया से आता है या वो उसी मैन्युफैक्चरर द्वारा दिया जा रहा है जो इसको जहाँ का इसको टैग मिला हुआ है। एंड इसके जरिए जो है वो रूरल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने में मदद मिलती है। एंड इट ऑल्सो सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ आर्टिशंस फार्मर्स वेबर्स एंड क्राफ्ट्समैन। जो सबसे पहला प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था वो कौन सा था, दार्जिलिंग टी इन 2004। एंड टिल नाउ मोर देन 325 प्रोडक्ट्स हैव बीन गिवन जीआई टैग। एंड इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को रेगुलेट करने का जो एक्ट है दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में क्या कौन सा एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जो हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई में है। एंड डिपार्टमेंट कौन सा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको एक बार अगर जीआई टैग मिल गया तो वो कब तक वैलिड रहता है, 10 ईयर्स के लिए। एंड इट नीड्स टू बी रिन्यूड एंड वायलेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स इज पनिशेबल अंडर द लॉ। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर जीआई टैक्स के बारे में, किन प्रोडक्ट्स को मिला है, कौन देता है। एंड ये ध्यान रखिएगा WTO का जो ट्रिप्स है दैट इज रिलेटेड टू जीआई टैग। नाउ कम टू पेज नंबर 21 एंड यहाँ पर एक न्यूज है जो वनडे टाइप एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि अभी किस स्टेडियम का रिसेंटली नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो क्रिकेट का दिल्ली में है उसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर। ये था आज का न्यूज डिस्कशन, जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स देख लिए जाएं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज नॉट अंडर सिक्स शेड्यूल, असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम दीज आर अंडर द सिक्स शेड्यूल। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इज 3 years। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। तो ये था आज का न्यूज डिस्कशन, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।